कहते हैं शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही भगवान होता है और वही भगवान वहां आने वाले बच्चों का भविष्य तय करता है। शिक्षक दिवस के मौके पे मंदसौर जिले से एक दिव्यांग महिला शिक्षिका की लगन और मेहनत की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो जाएगा। जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय नई आबादी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ धीरज कुंवर पवार, जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती है और न ही चल पाती है। यही नहीं, उन्हें प्रतिदिन स्कूल से घर और घर से स्कूल लाने ले जाने वाले उनके पति भी दिव्यांग है, फिर भी वह अपने तय समय पे स्कूल आती है। कोरोना के कारण सरकार के नियम, घर घर मोहल्ला क्लास लेने के लिए भी जाती है। धीरज कुंवर चाहती है कि उनसे पढ़ने वाले सभी बच्चे उच्च शिक्षा तक जाए और अपने स्कूल का नाम रोशन करे। दिव्यांग पति भी इस काम में उनकी पूरी मदद करते हैं। 14 वर्षों से कार्यरत शिक्षिका हर दिन नए जोश के साथ बच्चों के संग घर घर क्लास लेने पहुँच जाती है। स्कूल में तमाम संसाधन नहीं होने के कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वह खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए वह बच्चों को बोर्ड पर लिख कर भी नहीं पढ़ा सकती, लेकिन फिर भी वह उन परेशानियों को ही अपना जीवन समझकर रोज उनसे लड़ने में कामयाब हो जाती है। सर, शासन के अनुसार हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को घर घर मोहल्ला क्लास में पढ़ाना पड़ता है और उनके जो डीजी लैब से संबंधित जो आता है उनको मोबाइल से जो नहीं पढ़ पाते उनको घर जाकर उनको पढ़ाते हैं। हम लोग मोहल्ला क्लास लगाकर वहीं पर ही जाते हैं। दो जगह लगती है, सरस्वती नगर में और मुक्ति धाम की तरफ। आपको थोड़ी परेशानी आती होगी बच्चों से? सर, परेशानी आती है लेकिन उस परेशानी को मैं आड़े भी नहीं आने देती हूँ अपने। और दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो मुझे गाड़ी पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर मेरी क्लास निपटाने के बाद मुझे मेरे स्कूल तक पहुँचा देते हैं वापस और फिर शाम को लेने आते हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।